और इधर रांची के छात्र विनय महतो की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। विनय की हत्या उसी स्कूल की टीचर ने अपने बेटे के साथ मिलकर की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विनय को टीचर की बेटी से प्यार करना चाहता था। पुलिस ने इस मामले में विनय की टीचर, उसके पति और दो बच्चों को गिरफ्तार किया है। सुलझ गई मासूम की हत्या की गुत्थी। टीचर की बेटी से प्यार, विनय को पड़ा महंगा। रांची के मासूम को मिली प्यार की सजाए मौत। सीसीटीवी के इन तस्वीरों से रांची के विनय हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने आखिरकार इस सनसनीखेज हत्या का मामला सुलझा ही लिया है, जिसके चलते रांची में पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा था। रांची पुलिस ने विनय की हत्या को ऑनर किलिंग का मामला बताया है, यानी बदले के लिए विनय की हत्या की गई। और इस हत्या के आरोप में पुलिस ने विनय के स्कूल की शिक्षिका नाजिया हुसैन, उसके पति और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सातवीं क्लास में पढ़ने वाले विनय की उसके स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षिका की बेटी से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती शिक्षिका नाजिया को पसंद नहीं थी और इसी नाराजगी ने मासूम विनय की जान ले ली। विनय को अपनी बेटी से दूर करने के लिए शिक्षिका ने अपने बेटे के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। पूरे प्लान के साथ 4 तारीख की देर रात विनय को शिक्षिका नाजिया के बेटे ने अपने घर पर ये कहकर बुलाया कि उसकी माँ ने उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाया है और ये शर्त रखी कि वो रात के अंधेरे में आए ताकि उसे कोई देख ना ले। लेकिन सीसीटीवी की ये तस्वीरें उस रात की अहम गवाह साबित हुई, जिसमें विनय देर रात स्कूल से बाहर जाते दिखाई दे रहा था। नाजिया के बेटे के न्योते पर विनय देर रात उसके घर चला गया तो शिक्षिका के बेटे ने अपनी बहन के साथ उसकी दोस्ती के मुद्दे को उठाया। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई और फिर नाजिया के बेटे ने विनय की निर्ममता से पिटाई कर दी। विनय को मारने के लिए टीचर नाजिया ने इमारत की पहली मंजिल से विनय को नीचे फेंकने में बेटे की मदद की और पूरी वारदात के बारे में उसने रांची से बाहर रह रहे अपने पति को जानकारी दी। पति ने मामले से जुड़े तमाम सबूतों को तुरंत मिटा देने की बात कही। छात्र विनय की हुई हत्या के संबंध में कांड संख्या 4516 दर्ज किया गया था। इस कांड में संलिप्त 4 अभियुक्त शिक्षिका नाजिया हुसैन के पुत्र, शिक्षिका नाजिया हुसैन, शिक्षिका नाजिया हुसैन के पति आरिफ अंसारी और शिक्षिका नाजिया हुसैन की पुत्री हैं। बेटे और माँ ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद घर का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन स्कूल के ही एक आर्ट टीचर की नजर करीब 20 मिनट के बाद विनय पर पड़ी, जो फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। फौरन आर्ट टीचर ने फ्लैट में मौजूद लोगों को जगाया और विनय को लेकर गुरु नानक हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया, जहां ले जाते वक्त रास्ते में ही विनय की मौत हो गई। अपनी पुत्री के प्रति विनय का आकर्षण के कारण ये बदला लेने की भावना इन लोगों के मन में आई और ये लोग इसी की ताक में थे। घटना को अंजाम देने के बाद घटना वाले दिन शिक्षिका नाजिया हुसैन के पुत्र के द्वारा अपने पिता को फोन पर घटना की सूचना दी गई। पिता के द्वारा उसे बहुत सावधानी बरतने तथा सभी साक्ष्यों को मिटाने की सलाह दी गई। दरअसल सफायर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले विनय महतो के परिवार वालों को 5 फरवरी को स्कूल के शिक्षकों ने उसके बच्चे बीमार होने की खबर दी। परिवार वाले जब तक अस्पताल पहुंचते तब तक विनय की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर चोट के काफी निशान पाए गए थे। यही नहीं, उसका लीवर भी डैमेज हो गया था। बावजूद इसके स्कूल प्रशासन इस बात पर कायम था कि बच्चे की मौत बीमारी से हुई है, लेकिन अब रांची पुलिस ने विनय की मौत का एक एक राज खोल दिया है और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।